गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर थर्टीन शेयरिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव वन वर्ड नंबर वन वट फादर रीड अलाउड फॉर हर नानी यानी सीमा के जो पापा है वो नानी के लिए जोर से क्या पढ़ते थे आंसर इज द न्यूज़पेपर नंबर टू व्हाट डज रवि भैया यूज वाइल्ड वॉकिंग रवि भैया जब वॉक करते थे तो वो क्या यूज़ करते थे आंसर इज़ वाइट स्टिक ओके बिकॉज वो ब्लाइंड थे तो वो वाइट स्टिक यूज़ करते थे नंबर थ्री विथ स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी यानि कौन से जो लोग नहीं देख देख सकते उनके लिए कौन सी स्क्रिप्ट होती है यूज तो आंसर इज ब्रेल स्क्रिप्ट नंबर फोर ऑन हाउ मेनी डॉट्स इज़ द ब्रेल स्क्रिप्ट बेस्ट यानी ब्रेल स्क्रिप्ट कितने डॉट्स पे बेस्ट है आंसर इज सिक्स डॉट्स नंबर फाइव हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल स्क्रिप्ट का क्रिएटर यानी किसने ब्रेल स्क्रिप्ट निकाली तो इसका क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है जैसे हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट या फिर हु वॉज द फादर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट ओके एंड क्रिएटर ऑफ द ब्रेल स्क्रिप्ट तो आंसर एक ही आएगा लुइस ब्रेल ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। नंबर वन व्हेन वी आर ब्लाइंड फोल्डेड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज अदर्स यानी जब हमारे आंखों पे पट्टी बांध दिया जाता है तो हम लोग दूसरों को कैसे पहचान पाते हैं आंसर इज बाय टचिंग एंड फिलिंग अदर्स यानी उन्हें टच करके या फिर फीलिंग से उन्हें पहचाना जा सकता है नंबर टू व्हाट फीलिंग डज रवि भैया एक्सप्रेस व्हेन समवन ट्राइज टू हेल्प हिम व्हेन ही डज नॉट वांट इट यानी रवि भैया को कैसे फीलिंग आती थी जब वो uh, कोई दूसरा उनको मदद करने के लिए आता था जबकि उन्हें हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी तो रवि भैया बिकम्स वेरी एंग्री वो बहुत छिड़ जाते थे ठीक है नंबर थ्री वाई डू सम ऑफ रवि भैया स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम रवि भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो रवि भैया से बुक्स क्यों लेके जाते थे आंसर इज़ टू रीड एंड रिकॉर्ड देम सो दैट रवि भैया कैन लिसन टू देम यानी रवि वो रीड करने के लिए या फिर रिकॉर्डिंग करने के लिए रिकॉर्डिंग uh, करने के लिए वो जो बुक्स है वो रवि भैया के पास से लेके जाते थे ठीक है सो दैट रवि भैया कैन लिसन टू देम जिससे रवि भैया उसे सुन पाए ओके नंबर फोर व्हाट प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज डज नानी हैव नानी जो बहुत ओल्ड थी उन्हें कौन से प्रॉब्लम problem, प्रॉब्लम्स uh, आते आते थे आंसर इज़ नानी हैज़ बैक पेन एंड आल्सो नॉट एबल टू सी एंड हियर प्रॉपरली नानी को बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था एंड शी इज़ नॉट एबल टू सी यानी कि नहीं वो वो देख भी नहीं पाती थी प्रॉपर और सुन भी नहीं पाती थी क्वेश्चन नंबर सेवन थिंक फाइंड एंड राइट ये आपके थिंकिंग बेस्ट क्वेश्चन है ठीक है इसके अलावा भी और थिंकिंग बेस्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं लेसन में से ही आएंगे जिसके लिए लेसन आपको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है राइट right? अभी क्वेश्चन नंबर वन है व्हाई डू ब्लाइंड पीपल कैरी अ वाइट स्टिक वाइल मूविंग व्हेन मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स यानी ये जो ब्लाइंड पीपल्स uh, होते हैं जब वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो वाइट स्टिक लेके क्यों निकलते हैं आंसर विल बी सो दैट दे कैन टच एंड फील एनी ऑब्जेक्ट दैट कम्स इन देयर वे विद द स्टिक वाइल वॉकिंग आपने देखा होगा ये ब्लाइंड पीपल जब चलते हैं ये वाइट स्टिक लेके तो वो वाइल्ड वाइट स्टिक को मूव करते हैं बार बार इधर उधर ऐसे पटकते हुए जाते हैं तो वो क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि वाइट स्टिक को जो भी कुछ सामने अगर चीज़ हो वो वाइट स्टिक को जब टच होती है तो उन्हें एक फीलिंग आती है कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जिससे हमें बच के चलना चाहिए तो उनके रास्ते में जो भी ऐसे कोई चीज़ होती है वो उनके वाइट स्टिक ऐसे टच करने से पटकने से उनको पता चल जाती है इसलिए वो वाइट स्टिक इस्तेमाल करते हैं जब घर के बाहर वॉक के लिए जब घर के बाहर जब जाते हैं तब नंबर टू वाई डू ब्लाइंड पीपल वियर सन ग्लासेस ऑल द टाइम ब्लाइंड पीपल सन ग्लासेस जो होते हैं ब्लैक कलर के वो क्यों पहनते हैं हर ऑल द टाइम तो आंसर विल बी टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्राम सन लाइट एंड ऑल्सो टू नोटिफाई अदर्स यानी वो अपनी आइज को सन लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए सन ग्लासेस पहनते थे एंड ऑल्सो टू नोटिफाई अदर्स दूसरों के नोटिफाइव के लिए भी पहनते थे नाउ क्वेश्चन नंबर एट फाइंड सम वर्ड्स मैंशन इन द चैप्टर इन दिस वर्ड पजल बाई आउटलाइनिंग दैम दिस वर्ड्स आर गिवन इन द इन द बॉक्स बिलो एम ये बॉक्स में कुछ वर्ड्स है जिसको आपको ये नीचे जो ग्रीड दिया हुआ है उसमें आपको सर्च आउट करके उसे सर्कल करना है ओके okay, जैसे है सीमा ब्रेल फ्रांस न्यूज पेपर रिलेशनशिप टीचर ब्लाइंड सैंड पेपर यूमर स्टीक वेजिटेबल्स और नानी तो ये सारा चीज़ मैंने ये ग्रिड में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है आपको भी सेम ऐसे आपके नोटबुक में करना है ओके सो हियर इज अवर रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑल्सो कम्प्लीटेड योर होमवर्क इज़ यू हैव टू कॉपी दिस इन योर इन योर ई वी एस नोटबुक फाइन और ई वी एस की जो क्लास वर्क की नोटबुक है वो मैंने अभी मांगी नहीं थी तो भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो दिया है चेकिंग के लिए तो जिन्होंने मुझे ये चेकिंग के लिए नोटबुक दिया है वो ये सारा जो है वो रफ़ नोटबुक में अभी लिखेगा और जब फेयर नोटबुक आपको रिटर्न मिलेगी तब आपको ये सारा फेयर करना पड़ेगा अंडरस्टूड सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर बाय